वालेकुम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेरिवेटिव्स और वी कैन से डिफरेंशिएशन एंड दैट इज योर चैप्टर नंबर 3 ऑफ न्यू बुक रिलेटेड टू सेकंड ईयर मैथमेटिक्स। खैर, डेरिवेटिव्स को आपकी बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है? डिफरेंशिएशन। ठीक है, डेरिवेटिव्स को हम डिफरेंशिएशन भी कह सकते हैं। और डिफरेंशिएशन बेसिकली क्या है आपके पास? इट इज द ब्रांच ऑफ कैलकुलस। और कैलकुलस के अंदर बेसिकली क्या क्या एप्लीकेशंस आ सकती हैं वो मैं आपको डिफाइन करता हूँ। लिमिट्स आ गई, ठीक है। और कैलकुलस इज ऑल्सो यूजफुल टू फाइंड द स्लोप ऑफ द कर्व। और इंटीग्रेशन भी आपके पास कैलकुलस की एप्लीकेशन है, जिसके अंदर हम कॉम्प्लेक्स शेप्स के एरियाज को फाइंड आउट कर रहे होते हैं और आपके पास लार्ज एरियाज आप फाइंड आउट कर रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। अच्छा, इट इज मेड बाय न्यूटन एंड लेबनीज। ठीक है, आपके पास कैलकुलस किसने बनाई है? न्यूटन और लेबनीज ने। बेसिकली डेरिवेटिव्स को आप, जैसे फिजिक्स के अंदर हम डेल्टा को, फिजिक्स के अंदर हम डेल्टा को किसके लिए यूज करते थे? चेंज के लिए। ठीक है, इसी तरीके से आप मैथमेटिक्स के अंदर डी लिखते हो किसके लिए? चेंज के लिए। ठीक है, और अगर डेल्टा एक्स लिखा है इट मींस चेंज इन एक्स। सिमिलरली अगर डी एक्स लिखा है तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज इन एक्स। अब आपके पास लेट सपोज लिमिट दी भी है डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। आप जैसे फिजिक्स के अंदर बताए थे ना डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, तो उसके अंदर क्या होता था? ये भी बेसिकली वेलोसिटी बनती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी ना। इसी तरीके से आप मैथमेटिक्स के अंदर भी इसको डिफाइन कर सकते हो डी एस अपॉन डी टी। यानी अगर आप, आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवेन है उसके ऊपर आप डेरिवेटिव लगाओ विद रिस्पेक्ट टू टी। अभी एक एक टर्म मैं आपको, एक एक टर्मिनोलॉजी मैं आपको डिफाइन करूंगा डिटेल के अंदर। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर आप डेरिवेटिव लो तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी। सिमिलरली आपके पास क्या है? लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। आपके पास फिजिक्स के अंदर आप लिखते हो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, इससे आपको एक्सिलरेशन मिलती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सिलरेशन। सिमिलरली मैथमेटिक्स के अंदर आप, अगर वेलोसिटी आपके पास गिवन हो उसके अंदर आप, उसके ऊपर आप डेरिवेटिव लगाओ विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आपको क्या टर्म मिल जाएगी? आपको बेसिकली एक्सिलरेशन न्यू क्वांटिटी मिल जाएगी। क्लियर है? नाउ वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्या है? डेरिवेटिव्स इज द प्रोसेस, डेरिवेटिव्स आपके पास क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है इन विच वी हैव टू फाइंड चेंज इन एनी फंक्शन। हमारा मकसद क्या है? डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन के ऊपर लगाना, उस फंक्शन के ऊपर जो चेंज आ रहा है, उस फंक्शन के अंदर जो चेंज आ रहा है वो फाइंड आउट करना होता है थ्रू डेरिवेटिव्स और विद द हेल्प ऑफ डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव्स का ऑपरेटर क्या कहलाता है? कैसे पता चले कि हम यहाँ पर किसी भी टर्म के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है? बेसिकली अगर आपके पास कहीं लिखा हो डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, डी अपॉन डी एक्स लिखा हो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये इसको पढ़ने का तरीका क्या है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर ये अप्लाई हो रहा हो तो इट मीन्स आपके पास क्या कहलाता है वो, वहां पर डेरिवेटिव्स के रूल्स अप्लाई होंगे। ये चीज क्या है? बेसिकली ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव कहलाता है। ठीक है, और जरूरी नहीं है कि ये एक्स ही की रिस्पेक्ट से लग रहा हो किसी भी फंक्शन के ऊपर, डी अपॉन डी वाई भी हो सकता है, डी अपॉन डी जेड भी हो सकता है, डी अपॉन डी थीटा भी हो सकता है। ठीक है, ये नेक्स्ट हम क्वेश्चंस के अंदर ये चीज डील कर रहे होंगे। वैसे टी की रिस्पेक्ट से भी डेरिवेटिव अप्लाई हो सकता है, जैसे यहाँ पर है डी अपॉन डी एक्स क्या है, हमने अभी पढ़ा ऑपरेटर ऑफ डेरिवेटिव है, और डी अपॉन डी एक्स क्या है? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सिमिलरली वाई, अगर वाई की रिस्पेक्ट से लग रहा है तो कैसे पढ़ेंगे? डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। और जेड की रिस्पेक्ट से लग रहा है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड हो गया, थीटा की रिस्पेक्ट से लग रहा है तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा हो गया। ठीक है, अगर x के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू x तो उसका आंसर याद रखिएगा क्या होगा? हमेशा उसका आंसर आपको हमेशा 1 मिलेगा। ठीक है,
किसी भी फंक्शन के ऊपर अगर उसी की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई हो रहा है तो उसका आंसर क्या होता है डेरिवेटिव्स के अंदर? वन होता है। जैसे आप एक्स के ऊपर आपने लगाया तो वन दिया, वाई के ऊपर लगाओगे तो क्या मिलेगा? वन ही मिलेगा वाई की रिस्पेक्ट से। सिमिलरली जेड के ऊपर जेड की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव अप्लाई होगा तो आपके पास वो क्या आएगा? उसका आंसर वन ही आएगा। क्लियर है? सिमिलरली अगर आप थीटा की रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लगाओ थीटा के ऊपर, आंसर आपको वन मिलेगा। यहां तक आई होप कि आपको लेक्चर पूरा क्लियर होगा। फर्दर कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर हम डील करेंगे। एंड काइंडली सब्सक्राइब द चैनल।